Hello student, this is Mehak and today we will determine value of elastic constraints for the given material of wire using Searle's method. तो आज हमें एक वायर के मटेरियल के सारे इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट करने हैं यूजिंग Searle's method. और Searle's method से हम फाइंड आउट करेंगे उस वायर के मटेरियल का यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन रेशियो एंड बल्क मॉडुलस. तो Searle's method से हम एक वायर के मटेरियल के चारों इलास्टिक कॉन्स्टेंट सिर्फ और सिर्फ एक मेथड से फाइंड आउट कर रहे हैं. इससे पहले हमने बेंडिंग ऑफ बीम से फाइंड आउट किया था किसी भी मटेरियल का यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमने फाइंड आउट की थी मैक्सवेल नीडल से. लेकिन अब हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ ना करके सिर्फ एक सिंगल मेथड से वायर के सब इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट करेंगे और वो चारों इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स ये हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि Searle's मेथड का जो एपरेटस है वो किस तरीके से होता है. तो Searle's मेथड में इस तरीके के दो बार्स होते हैं, या तो वो रेक्टेंगुलर बार्स हों या सर्कुलर बार्स हों, और दो बार होते हैं वो आइडेंटिकल शेप के, आइडेंटिकल साइज़ के और सेम मटेरियल के बने हुए होते हैं. और इन बार्स का यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे एक वायर का इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स. जितने भी इस वायर के इलास्टिक कॉन्स्टेंट हैं, जितने इलास्टिसिटी में हम कॉन्स्टेंट पढ़ते हैं, इस वायर के मटेरियल के हमें वो इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट करने हैं. तो Searle's मेथड में हमें ये दो बार दिए हुए होते हैं और इन बार्स को हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ सस्पेंड करते हैं यूजिंग थ्रेड. ये थ्रेड्स हैं और हम इन्हें इस तरीके से सस्पेंड करते हैं और सस्पेंड करके हम इनको पैरेलल रखते हैं. इस तरीके से इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है और इन दोनों बार्स को हम जॉइन करते हैं जिस वायर का हमें इलास्टिक कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करना है उसके साथ. तो किस तरीके से कि इसके दोनों एंड पे स्क्रू दिए हुए होते हैं, उन स्क्रूज को ओपन करने के बाद हम इस बार के होल से इसे पास कराते हैं और बाहर से इसे स्क्रू के साथ टाइट कर देते हैं. इसी तरीके से इस एंड से भी हम स्क्रू के साथ इसे टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से कपल हो चुके हैं और इन्हें पैरेलली हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ सपोर्ट करेंगे. तो Searle's मेथड में ये कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन. हम दो कॉन्फ़िगरेशंस का यूज़ करेंगे. फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन तो ये हो गई और दूसरी हम बाद में आपको बताएंगे कि एक्सपेरिमेंट करते टाइम कि दूसरी कॉन्फ़िगरेशन क्या है. तो Searle's मेथड में दो कॉन्फ़िगरेशंस का हम यूज़ करेंगे और दो कॉन्फ़िगरेशन से हम सिर्फ दो इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के लिए टाइम पीरियड नोट करेंगे और वहाँ से दो इलास्टिक कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करने के बाद उन दोनों इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के साथ उनका रिलेशन, जो इलास्टिसिटी में हम रिलेशंस पढ़ते हैं, उन रिलेशन से बाकी दो इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट करेंगे. यानी मेनली हम फाइंड आउट कर रहे हैं सिर्फ दो इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स और उन दो इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करके हम रिलेशंस लगाते हैं और रिलेशन से हम बाकी दो इलास्टिक कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करते हैं. तो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन से हम फाइंड आउट करेंगे यंग्स मॉडुलस और सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन से हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड आउट करेंगे और वाई और ईटा का यूज़ करके हम सिग्मा और के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अब हम दोनों बार्स को सस्पेंड कर रहे हैं इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ और दोनों की दोनों बार्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए और दोनों की हाइट फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट वो भी सेम होनी चाहिए. बार्स के फ्रंट साइड पे हमने एक रेफरेंस पॉइंट लगा दिया है. यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्रॉस वायर का हमने एक साइन यहाँ लगाया हुआ है, ये रेफरेंस पॉइंट है. और फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में बार्स को इस पोजीशन पे डालना है कि वो एक दूसरे के पैरेलल हो और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ वो सस्पेंड किए गए हों. और फिर इस कॉन्फ़िगरेशन में हमें इस वायर को जिसका हमें इलास्टिक कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करने हैं उसे एक बेंडिंग देनी है इस तरीके से. और इन दोनों बार्स को फ्रंट साइड से हम इस थ्रेड के साथ जॉइन कर देंगे तो इस वायर में एक लेंथ में एक बेंडिंग आ जाएगी. तो जैसे आप देख सकते हो इस तरीके से हमें इसे टाई करना है.
ये फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हमने इस वायर को एक आग की शेप दे दी है, और आग की शेप देने की वजह से इस वायर की लेंथ में थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेन है इस टाइम वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं यंग्स मॉडुलस, क्योंकि यंग्स मॉडुलस में जो स्ट्रेन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल टाइप का स्ट्रेन होता है। तो इस वजह से फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पीरियड से हम फाइंड आउट करेंगे यंग्स मॉडुलस। और यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे आग की शेप दे दी। आग की शेप देने के बाद अब इन दोनों बार में से किसी भी एक बार के रेफरेंस पॉइंट के ऊपर हमें टेलीस्कोप को सेट करना है। और टेलीस्कोप को सेट करने के बाद यहाँ से हमें इस थ्रेड को जला देना है, जला के इन दोनों को अनकपल कर देना है, दोनों बार्स को। जैसे ही यहाँ से ये दोनों बार अनकपल हुए, डिटैच हुए, वैसे ही ये बार जो है वो ओसिलेट करना शुरू कर जाएंगे, और उस ओसिलेशन से हमें 20 वाइब्रेशंस का टाइम नोट करना है। तो 20 वाइब्रेशन आप किस तरीके से नोट करेंगे? सबसे पहले आपने यहाँ से इस थ्रेड को जलाया, जलाने के बाद जो फर्स्ट वाइब्रेशन होगी उसको आप ज़ीरो काउंट करेंगे, उसके बाद फिर 1 2 3 इस तरीके से काउंटिंग शुरू करेंगे। और जैसे ही आप 0 वाइब्रेशन नोट डाउन करेंगे तभी आपको स्टॉप वॉच को भी ऑन कर देना। तो वाइब्रेशन किस तरीके से नोट करनी है, तो मान लीजिए कि इस टाइम ये बार इधर पड़ा है और बार की पोजिशन ये है, जैसे ही मैंने थ्रेड को जलाया तो बार ने ओसिलेशन करना शुरू कर दिया, तो वो इस तरीके से जाता है, और जैसे ही वो इस पोजीशन पे दोबारा पहुँचे दिस इज़ ज़ीरो, उसके बाद फिर से दिस इज़ 1 वाइब्रेशन। तो जैसे ही 0 वाइब्रेशन हुई आपने स्टॉपवॉच को ऑन कर दिया, और वहाँ से 20 वाइब्रेशंस के लिए आपने नोट डाउन कर लिया टाइम को। सो दिस इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द यंग्स मॉडुलस, और फॉर्मूला में है 8π l into I डिवाइड बाई t1² r^4। यहाँ पर जो स्मॉल l है ये लेंथ है वायर की, जो वायर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, इसकी लेंथ है कि दोनों बार्स के बीच में कितनी लेंथ है वायर की, तो वो स्मॉल l है। और I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस बार का, और t1 जो है वो टाइम पीरियड है जब हम इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए टाइम नोट करेंगे, टाइम पीरियड वहाँ से फाइंड आउट करेंगे। और जो स्मॉल r है वो रेडियस है इस वायर की, तो हमें रेडियस भी फाइंड आउट करनी है, ये काम हम बाद में करेंगे। तो यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है। और इसकी जो ऑब्जर्वेशन टेबल है टाइम पीरियड के लिए वो ये है। सबसे पहले t1 फाइंड आउट करेंगे जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है, यानी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए टाइम पीरियड नोट डाउन करेंगे, और 3 ऑब्जर्वेशन करनी है इसके लिए, और वहाँ से हम मेन फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद फिर सेकंड डिटर्मिनेशन है टाइम t2 की, तो सेकंड के लिए हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देंगे, वो कैसे चेंज करनी है वो हम बाद में बताएंगे। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन थी उससे हमें टाइम जो कैलकुलेट हुआ है उस टाइम की वैल्यू है 10 सेकेंड्स। सेकेंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो टाइम की वैल्यू है वो है 9 सेकेंड एंड 11 सेकेंड। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन एंड वी विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ t2। तो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन की ऑब्जर्वेशन कंप्लीट करने के बाद अब हम सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। तो सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन में अब हमें बार्स को ऐसे ना रख के इस तरीके से प्लेस करना है, यानी एक बार जो होगी वो वर्टिकल इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ के पैरेलल होगी, इसके इसे यहाँ पर अटैच कर देना है यहाँ से और यहाँ से, और एक बार जो है वो उसके साथ में इस तरीके से अटैच होगी। तो इस तरीके से ये सेकंड कॉन्फ़िगरेशन है, और इस सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में इस बार को हमने इस तरीके से सस्पेंड किया हुआ है कि जो क्रॉस सेक्शन क्रॉस वायर्स का जो साइन था वो फ्रंट में आ जाए, और इसे हम टेलीस्कोप के व्यू में लेंगे और यहाँ से 20 वाइब्रेशंस को नोट करेंगे। सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो वायर बीच में हमने कपल की हुई है इन दोनों बार्स के बीच में वो टाइटली बंद हो, उनके स्क्रूज जो है वो
लूज़ नहीं होने चाहिए, टाइट होने चाहिए। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर टेलीस्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू में इस रेफरेंस पॉइंट को लेकर आएंगे, और रेफरेंस पॉइंट के को देखकर हमें 20 वाइब्रेशंस के लिए टाइम नोट करना है। तो सेकेंड कॉन्फिग्रेशन से हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड आउट करेंगे, और उसका फॉर्मूला है ये, और जहाँ पर T2 जो है वो टाइम पीरियड है इस सेकेंड कॉन्फिग्रेशन का। यहाँ पे वाइब्रेशन हम किस तरीके से देंगे हम वो बता रहे हैं। तो देखिए, बार के ऊपर आपको हल्का सा फोर्स लगाना है ताकि ये कुछ एंगल के साथ रोटेट करे, और जैसे ही एंगल के साथ रोटेट करेगी इसका जो कपल है वो इसे दोबारा से अपनी पोजीशन पे आने के लिए फोर्स करेगा। तो उस तरीके से इसके अंदर टॉर्जनल वाइब्रेशंस जो है वो शुरू हो जाएंगे, और हमें उन टॉर्जनल वाइब्रेशंस के लिए टाइम नोट करना है। और इसमें भी सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहली ऑब्जर्वेशन में किया, तो उस ऑब्जर्वेशन की तरह ही यहाँ पर भी आपको वाइब्रेशंस को नोट करना है। यानी फर्स्ट वाइब्रेशन को आप 0 काउंट करेंगे, उसके बाद फिर 1, 2 इस तरीके से। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसमें शुरू करेंगे, तो इस तरीके की वाइब्रेशंस इसमें आनी चाहिए। तो जैसे यहाँ से शुरू हुआ, फिर इस पोजीशन पे पहुँचा वो 0, उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पहुँचा तो फिर 1, तो इस तरीके से आप काउंट करेंगे। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन से टाइम की जो वैल्यू है वो है 16 सेकेंड्स। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग इट फॉर द सेकेंड एंड थर्ड टाइम ऑब्जर्वेशन। तो सेकेंड और थर्ड टाइम ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो टाइम की वैल्यू है वो है 17 सेकेंड्स एंड 15 सेकेंड्स। फॉर्मूला में हमें रेडियस ऑफ वायर भी यूज़ करनी है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बार भी यूज़ करना है। अब बार जो है वो रेक्टेंगुलर टाइप की है, तो रेक्टेंगुलर टाइप की अगर बार है तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसकी ब्रेड्थ और इसकी लेंथ पता होनी चाहिए। और अगर आपका बार सर्कुलर टाइप का है तो आपको उस टाइम ब्रेड्थ ना कैलकुलेट करके उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। और उन दोनों टाइप के बार के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है वो डिफरेंट होता है। आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपकी बार जो है वो रेक्टेंगुलर टाइप की है या फिर सर्कुलर टाइप की है। वायर की रेडियस को हम फाइंड आउट करेंगे स्क्रू गेज का यूज़ करके, और स्क्रू गेज से रीडिंग किस तरीके से ली जाती है हमने एक वीडियो डाली हुई है, और उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही रीडिंग बताएंगे। तो हमें स्क्रू गेज को इस तरीके से इस वायर के बीच में फिट करना है। बस इस तरीके से देख के हमें इसकी MSD और CSD को नोट करना है, और वहाँ से हम इसके डायमीटर से रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। और जो वायर हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो डायमीटर है उसके लिए रीडिंग जो है वो इस तरीके से है कि मेन स्केल 1 और जो CSD है वो 97, 93 और 98 है। तो यहाँ से हमने देखा तो जो वैल्यू है हमारी वायर के डायमीटर की वो 0.197, 0.193 और 0.198 है। तो यहाँ से जो डायमीटर है वायर का वो है 0.196 सेंटीमीटर और रेडियस जो है वो 0.098 सेंटीमीटर आ रही है। तो अब इसके बाद हमें बार की ब्रेड फाइंड आउट करनी है। जो बार ये थे इनकी ब्रेड फाइंड आउट करेंगे हम यूजिंग वर्नियर कैलिपर, और वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके किस तरीके से रीडिंग ली जाती है इसका भी लिंक जो है, इसकी वीडियो का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रीडिंग बताएंगे कि किस तरीके से जो इसकी ब्रेड्थ है वो क्या आ रही है। तो हमें इन जोस के बीच में इस बार को इस तरीके से टाइटली फिक्स करना है, और उसके बाद वहाँ से हम मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल के डिवीज़न को काउंट करेंगे, और वहाँ से हम ब्रेड्थ की बार की ब्रेड्थ को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से हमने बार की ब्रेड जो फाइंड आउट की है उसकी 3 ऑब्जर्वेशन हमने की। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करने के बाद ब्रेड का जो रिजल्ट है वो 1.676 सेंटीमीटर है। तो अब हमने रेडियस भी फाइंड आउट कर ली, ब्रेड भी फाइंड आउट कर लिए, और टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ से अब हम सीधा इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स की तरफ जाते हैं और इलास्टिक कॉन्स्टेंट की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है रेक्टेंगुलर बार्स के लिए वो है m × l² + b² / 12, वेयर b इज़ द ब्रेड्थ ऑफ द बार एंड l इज़ द लेंथ ऑफ द बार। तो लेंथ भी हमें मेज़र करनी है, और m जो है वो मास है, हमने मास भी इसका मेज़र कर लिया कि बार का मास कितना है। तो यहाँ से बार का जो मास है वो है 630 ग्राम, इंटू जो लेंथ थी वो थी 30 सेंटीमीटर,
और बी जो है वो है 1.676 जो हमने अभी कैलकुलेट किया. तो ये सब वैल्यूज पुट करने के बाद जो वाई की जो आई की वैल्यू है वो है 47397.4712 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ से आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली और टी वन और टी टू की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली. तो टी वन की वैल्यू जो है वो 0.5 सेकेंड है, टी टू जो है वो 0.8 सेकेंड है. अब इन सब वैल्यूज़ का यूज़ करके हमें वाई, ईटा, के और सिग्मा निकालना है. तो यहाँ से वाई की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो वाई है 8 × π इज 3.14 × l इज द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन दीज टू बार्स. तो वो लेंथ जो थी वायर की वो 29 थी बार्स के बीच में, 29 सेंटीमीटर. और आई जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार 47397.4712 डिवाइड बाय टी वन इज द टाइम पीरियड फॉर फर्स्ट कॉन्फिग्रेशन दैट इज 0.5 स्क्वेयर मल्टीप्लाई आर एज टू द पावर 4. आर इज 0.098 सेंटीमीटर. तो यहाँ से जब हम वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वाई की जो वैल्यू है वो है 14.97 × 10⁻¹⁹ पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो वाई यहाँ से निकल गया. अब हम ईटा फाइंड आउट करते हैं. ईटा में हमें सब कुछ वैल्यूज़ वही रखनी है, सिर्फ टाइम जो पीरियड है वो चेंज हो जाएगा. अब टाइम पीरियड हम सेकंड कॉन्फ़िगरेशन का रखेंगे. तो यहाँ से जब ईटा की वैल्यू हम अगर कैलकुलेट करें तो जो ईटा की वैल्यू है वो है 5.849 × 10⁻¹⁹ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो वाई हमने निकाल लिया, ईटा हमने निकाल लिया. अब हम सिग्मा की बात करते हैं. सिग्मा है t² / 2t1² - 1. तो सिग्मा जो है वो पॉइजन रेशो है. और पॉइजन रेशो का मतलब जो है कि अगर आप किसी सॉलिड चीज़ को फोर्स देते हैं, इस तरीके से फोर्स दिया कि उसकी लेंथ में चेंज हो रहा है, तो आप देखिए कि उसकी एक तो इस फोर्स की डायरेक्शन में लेंथ जो है वो बढ़ रही है, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसकी जो ब्रेड्थ है वो कम होती जा रही है. यानी कि दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. फोर्स की डायरेक्शन में जब लेंथ में चेंज है तो वो है लॉन्गिट्यूडनल, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है वो लेटरल डायरेक्शन है. तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को ही हम पॉइजन रेशियो कहते हैं. तो पॉइजन रेशो अगर हम कैलकुलेट करें तो वो है t² / 2t1² - 1. t2 जो है वो 0.8 है और t1 की जो वैल्यू है 0.5 है माइनस वन. यहाँ से अगर सिग्मा कैलकुलेट करें तो सिग्मा की वैल्यू आती है 0.24 जो कि एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है. अब वाई की वैल्यू भी हमारे पास है और सिग्मा की वैल्यू भी है. तो बल्क मॉडुलस यहाँ से कैलकुलेट करते हैं. तो बल्क मॉडुलस जो है वो बनेगा 14.97 × 10⁻¹⁰ डिवाइड बाय 3 × 1 - 2 सिग्मा. 2 × सिग्मा इज 0.24. यहाँ से अगर के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो जो के की वैल्यू आती है वो है 9.59 × 10⁻¹⁰ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरीके से हमने चारों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. और यहाँ से इनको कंपेयर करके हम पता लगा सकते हैं कि जो वायर थी वो किस मटेरियल की वायर थी. वी हैव कैलकुलेटेड दीज फोर इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स एंड द वैल्यूज ऑफ दीज फोर कॉन्स्टेंट्स आर यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू है वो 14.97 × 10⁻¹⁰ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है. ईटा जो है वो 5.849 × 10⁻¹⁰ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है. और सिग्मा जिसको हम पॉइजन रेशो कहते हैं उसकी जो वैल्यू है वो 0.24 है. और के बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू आ रही है वो है 9.59 × 10⁻¹⁰ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमने चारों के चारों इलास्टिक कॉन्स्टेंट फाइंड आउट कर लिए. अब चारों इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स को फाइंड आउट करने के बाद अब हम देखते हैं कि जो वायर हम यूज़ कर रहे थे उस वायर का मटेरियल जो था वो क्या है. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं. ये CGS में हमने फाइंड आउट किया हुआ है सब कुछ. अगर हम MKS यूनिट्स में फाइंड आउट करें तो जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएगी 1.49 × 10⁻¹⁰ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यहाँ से इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये आएगी 0.58 × 10⁻¹⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. पॉइजन रेशो इज 0.24 और के की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.95 × 10⁻¹⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को हम स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ में मैच करके देखते हैं और वहाँ पर हम ये देखेंगे कि
ये चारों वैल्यूज किस मटेरियल के लिए सेटिस्फाई हो रही हैं? तो ये टेबल है हमारे पास जिसमें सारे के सारे थ्योरेटिकल वैल्यूज दी हुई हैं। तो हमारी जो वैल्यू है यंग्स मॉडुलस की वो आ रही है 1.49 × 10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयरन रफ और कास्ट की जो रेंज है वाई के लिए 1.9 से 2.2 है आयरन रफ के लिए, और वाई की जो रेंज है वो 1.0 से 1.3 × 10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो हमारी जो वैल्यू है वो 1.49 × 10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब जो ये रेंज है यंग्स मॉडुलस की वो आयरन की रेंज के अंदर लाई कर रही है, और आयरन में भी वो आयरन कास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। उसी तरीके से जो ईटा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू जो है वो 0.58 × 10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और यहाँ पर अगर हम इस टेबल में देखें तो यहाँ पर आप आयरन कास्ट की टेबल में देख सकते हैं कि जो रेंज है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वो 0.35 से लेकर 0.53 × 10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो हमारी भी जो वैल्यू आ रही है ईटा की वो इसी रेंज में लाई कर रही है। उसी तरीके से जब पॉइजन रेशो की बात करें तो पॉइजन रेशो की जो वैल्यू है वो 0.24 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयरन के लिए जो सिग्मा की वैल्यू है वो 0.24 से 0.31 तक लाई कर रही है। तो इसका मतलब सिग्मा भी हमारा आयरन कास्ट की रेंज में ही आ रहा है। उसी तरीके से जो बल्क मॉडुलस है वो 0.95 × 10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो ये वाली रेंज भी जो है वो आयरन कास्ट के अंदर ही आ रही है। तो इसका मतलब जो चारों हमने मॉडुलस फाइंड आउट किए हैं इलास्टिसिटी के, वो चारों के चारों की वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि जो वायर का मटेरियल था वो आयरन कास्ट का था। सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ फोर इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।